हाँ स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। ध्यान से देखिए प्यारे देशवासियों, देश विदेश में बसने वाले धर्म प्रेमी बंधुओं, ये आज महादेव की कृपा हुई, ये हमारे बलवान भाई हैं गुवाहाटी में, इन्होंने 1 तारीख को बहुत विशाल माता का जागरण करवाया और इस जगह के लिए मैंने पहले सुना हुआ था, पर आज हमने खोज लिया। गुवाहाटी से शिलांग और शिलांग से काफी दूर पहाड़ों के बीच में ये गुफा देखिए तो आपको अमरनाथ बाबा की गुफा लगेगी। पूरी अमरनाथ बाबा की गुफा लग रही है। इस तरफ देखिए, वो वहां से हम उतरे हैं पहाड़ से नीचे और ये पूरी गुफा है और यहाँ ये बाबा का पिंड है, शिवलिंग स्वयंभू स्वयंभू। और ऊपर देखिए यहाँ से जल की जल अभी भी टपक रहा है, पहले दूध की धारा, पहले यहाँ से बताते हैं बलवान भाई के दूध गिरता था, पर किसी अंग्रेज अफसर ने यहाँ गोली चलाई तो उस समय से दूध यहाँ बंद हो गया। अब केवल पानी की बूंद आप देख रहे हैं, ये टपक रही है, ये पानी की बूंद ये, और ठीक बाबा के ऊपर आ रही है, पिंड के ऊपर में। कैसे कैसे रहस्य छुपे हुए हैं हमारी इस धरती पर अफसोस ये है कि यहाँ ना तो कोई पूजा करने वाला है, ना कोई रख रखाव करने वाला है, रहने भी नहीं देते क्रिश्चियन, किसी को रहने भी नहीं देते यहाँ पर, पूजा भी नहीं करने देते क्रिश्चियन। ये मेघालय है, मेघालय प्रांत का क्रिश्चियन लोग पूजा नहीं करने देते। मैश्रम जगह है ये मैश्रम, और ये पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में ये बाबा का आप शिवलिंग देख रहे हैं। और कितने अफसोस की बात है कि ऐसा सुंदर स्थान है, देखिए कोई प्रोग्रेस नहीं है यहाँ, कोई डेवलप नहीं है यहाँ, लोग करने नहीं देते, और ये हमारा दुर्भाग्य कहा जा सकेगा। और इसे मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि भोलेनाथ के चरणों से मेरा बहुत प्रेम है बचपन से ही, मैं सौभाग्यशाली हूँ यहाँ पहुंचा, और मैं मेरा और भाग्य है कि मुझे इस स्थान के आज बलवान भाई ने दर्शन कराए हैं। मैं तमाम देशवासियों से, धर्म प्रेमी बंधुओं से ये अपील करता हूं कि आप मेघालय गवर्नमेंट से भी, और मेघालय गवर्नमेंट से भी कि कृपा करके इस पर इस ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये हमारे महादेव तो महादेव हैं, और कृपया इनको पूरा रख रखाव, यहाँ का कोई यहाँ पर पुजारी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, पुजारी रहने की अनुमति, और केवल एक देखिए वो ऊपर में एक चौकीदार बैठा हुआ है, उसने अभी गेट बंद कर दिया था, गेट हम लोगों ने आके खुलवाया है रिक्वेस्ट करके कि भाई जरा गेट खोलो, तो बोले कि 3 बज रहे हैं अभी बंद कर दिया है। तो मैंने कहा कि हम बहुत दूर से आए हैं, मुझे दर्शन करने हैं और दर्शन करके हम जाएंगे। आप भी देखिए ध्यान से एक बार, और मेरी ये विनती है, प्रार्थना है मेघालय गवर्नमेंट से पूजा करने के रोकना, किसको कम से कम पूजा करने से किसी को रोका नहीं जाए, और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ भी आए, आने दे और आने दे उनको, क्योंकि महादेव के दरबार में ताला लगाना मतलब, अब आप खुद इसका इंसाफ कीजिए और खुद सोचिए और खुद आप सलाह दीजिए मुझे भी और मेघालय गवर्नमेंट को भी, भारत सरकार को भी। जय भोलेनाथ, जय भारत माता की।